साड़ी को हाथ में लेकर उसी की ओर ताकते हुए कहा, कभी पहन लूंगी, इतनी जल्दी क्या है, फिर यहाँ मैं कैसे पहनूंगी। कमला प्रसाद ने कहा, मैं हट जाता हूँ। कमरे की एक तरफ छोटी सी कोठरी थी, उसी में कमला प्रसाद कभी कभी बैठ कर पढ़ता था। उसके द्वार पर चीट का एक पर्दा पड़ा हुआ था। कमला प्रसाद पर्दा उठाकर उस कोठरी में चला गया, पर एकांत हो जाने पर भी पूर्णा साड़ी न पहन सकी। इच्छा पहनने की थी, पर संकोच था कि कमला प्रसाद अपने दिल में न जाने क्या आशय समझ बैठे। कमला प्रसाद ने पर्दे की आड़ से कहा, पहन चुकी, अब बाहर निकलूं। पूर्णा ने मुस्करा कर कहा, है हाँ पहन चुकी, निकलो। कमला प्रसाद ने पर्दा उठाकर झांका, पूर्णा हंस पड़ी। कमला प्रसाद ने फिर पर्दा खींच लिया और उसकी की आड़ से बोला, अब की अगर तुमने ना पहनी तो मैं आकर पहना दूंगा। पूर्णा ने साड़ी पहनी तो नहीं, हाँ उसका आंचल खोलकर सिर पर रख लिया। सामने ही आईना था, उस पर उसने निगाह डाली। अपनी रूप छटा पर वह आप ही मोहित हो गई। एक क्षण के लिए उसके मन में ग्लानी का भाव जागृत हो उठा। उसके मर्म स्थल में कहीं से आवाज आई, पूर्णा होश में आ, किधर जा रही है? वह मार्ग तेरे लिए बंद है, तू उस पर कदम नहीं रख सकती। वह साड़ी को अलग अलग कर देना चाहती थी कि सहसा कमला प्रसाद पर्दे से निकल आया और बोला, आखिर तुमने नहीं पहनी ना, मेरी इतनी ज़रा सी बात भी तुम ना मान सकी। पूर्णा, पहने तो हूँ, अब कैसे पहनो, कौन अच्छी लगती है, मेरी देह पर आकर साड़ी की मिट्टी भी खराब हो गई। कमला प्रसाद ने अनुरक्त नेत्रों से कहा, ज़रा आईने में तो देख लो। पूर्णा ने दबी हुई निगाहें आईने पर डालकर कहा, देख लिया, ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। कमला प्रसाद ने कहा, दीपक की ज्योति की मात हो गई। वाह ईश्वर, तुम ऐसी आलोकमय छवि की रचना कर सकते हो, तुम्हें धन्य है। पूर्णा ने कहा, मैं उतार कर फेंक दूंगी। कमला प्रसाद ने कहा, ईश्वर अब मेरा वेड़ा कैसे पार लगेगा। पूर्णा ने कहा, मुझे डुबा कर। यह कहते कहते पूर्णा की मुख ज्योति मलन पड़ गई। पूर्णा ने साड़ी उतार कर अलगनी पर रख दी। कमला प्रसाद ने पूछा, यहाँ क्यों रखती हो? पूर्णा बोली, और कहाँ ले जाऊँ।